हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में चर्चा करेंगे मोबाइल का जो पावर मोड होता है उसे ऑन कैसे करें। ठीक है ना, इस वीडियो पे ये बताएंगे। चैनल पर पहली बार आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको बता दें, जैसे कि अगर आप पावर मोड को अगर ऑन रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो सब लाइट वगैरह जो भी है, यहाँ पर देख सकते हैं लाइट अभी कम है। और इससे आप दो तरीके से आप अपने जो बैटरी बचत है वो मतलब ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग सबको जानते हैं कि अगर लाइट को ज़्यादा कम करेंगे तो बैटरी बचत होता है। उसके बाद देखिए, इतना बता दें कि आपके यहाँ पे ज़रा सा हम स्क्रीन को ज़्यादा बढ़ाते हैं लाइट तो, और उसके बाद आपको बताते हैं कि अगर आपका जो मोबाइल है इसमें जितने सारे फंक्शन को आप चालू रखेंगे, यहाँ पर आपको देखना होगा यहाँ पर कि मेरा क्या क्या फंक्शन चालू है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बता दें, जैसे डाटा, हॉटस्पॉट, जितने भी आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है, जितने आपका चालू रहेगा उतना आपका बैटरी ज़्यादा खर्चा होता है इसमें, राइट। जैसे कि आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे ब्लूटूथ, जैसे कि यहाँ इस पर आप टैप कर देंगे, छोड़ देंगे तो मेरा बैटरी खर्चा नहीं होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है दोस्तों। इस तरह का यहाँ पर प्रोग्राम किया हुआ है, आपको लगता है कि अरे इस तरह हमें छोड़ देंगे तो मेरा बैटरी खर्चा नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है। ये एक तरफ का ये आइकन से एक इमेज है जिसका दबाने से एक कोडिंग यहाँ पे ये पे, जैसे इसको हम यहाँ पे दबाते हैं ये किस तरह काम करता है आपको ये भी बता दें। जैसे इस पर आप टच करते हैं तो एक तरफ का एक कोडिंग मतलब जनरेट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दें कि अगर आप कुछ भी सर स्विच दबाते हैं तो इस तरह करंट पास होता है, उस तरह इसमें एक कोडिंग किया हुआ है कि ये एक बूट करता है। जैसे कुछ अब बूटिंग कैसे होता है आपको पता नहीं है तो आपको पता होगा, ज़रूर पता होगा, क्या कि मतलब कि एक तरफ का जैसे कि एक कोडिंग किया हुआ रहता है उस टाइप का, इसमें हर एक चीज़ कोडिंग किया हुआ है एक सॉफ्टवेयर। इस तरह इस पर आप टैप करेंगे तो इसका एक कोडिंग जनरेट होता है, एक कोड जनरेट होता है और वो जाके ये काम करता है, फंक्शन को जाकर चालू करता है। इस तरह मोबाइल पूरा ये जितने सारे फंक्शन है, क्योंकि देखिए क्योंकि इसमें इस तरह कोडिंग किया गया कि जैसे अगर हम जैसे कि आप इस तरह जो अभी स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर से हम करते हैं तो क्यों नहीं होता, क्योंकि इधर से ही इसको सेटिंग किया गया है, इसलिए इधर से सिर्फ ऊपर से इस तरह काम कर रहा है। इस इधर से ऊपर करते हैं तो कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो इस तरह सब कोडिंग का चीज़ है। बात आता है बैटरी का, देखिए आपको जितना सारे फंक्शन है इसे आप बंद कर दें, यहाँ पर जितना सारे फंक्शन है देख सकते हैं इस सबको बंद रखें तो बैटरी बचत होता है। स्टेप आगे, हर मोबाइल में सेटिंग के अंदर बैटरी सेटिंग दिया हुआ रहता है, हर मोबाइल में सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे आपको पावर मोड पे चल जाना होगा। यहाँ पे जैसे जाइएगा उसका देखिए, यहाँ पे पावर मोड जहाँ लिखा होगा तो देखिए डिवाइस केयर में है बैटरी सेटिंग, है ना, इस पर टैप कर देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ आपको हर एक चीज़ यहाँ पे जैसे बैटरी जैसे टैप कर देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पे बैटरी मोड लिखा हुआ है ऊपर में देख सकते हैं, एक बैटरी मोड है, देखिए एक ऑप्टिमाइजेड मतलब कि हाँ ये कंट्रोल कर रहा है मीडियम पावर सेविंग, अगर इसको कर देंगे तो और ज़्यादा कंट्रोल कर लेगा आपका मोबाइल, हो सकता है धीरे धीरे काम तो करेगा लेकिन प्रोसेसर का स्पीड कम कर देता है। मैक्सिमम पावर जो सेविंग कर देंगे तो आपका प्रोसेसर बहुत मतलब कम कर देता है, आपका इतना सारे ऐप है वो बंद हो जाता है इसमें, और आपका मोबाइल जो है जितने सारे आप यहाँ पर ऐप जो देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप इसको हम ऑन कर देंगे तो अभी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है ये सब काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसे हम ऑन नहीं कर सकते। तो इसी तरह आपको जितने सारे यहाँ पे ऐप है सब ऐप को ही बंद कर देगा, डिफ़ॉल्ट ऐप मतलब सेटिंग, इमेज, व्हाट्सअप, मतलब चार पाँच छः टू आप ऐप में आपको रन करने के लिए देगा, ऐसे ज़्यादा देगा नहीं। क्या होता है कि जितना सारे प्रोसेसिंग जितना होता है वो कम होने लगता है, इसके आपका बैटरी बचत कम होता है। ज़्यादा आप ऐप रखेंगे अपने मोबाइल में तो उतना ज़्यादा बैटरी खाएगा, फिक्स है। ये जरूरी नहीं है कि आप सोचते हो कि नहीं वो डाटा खा रहा है, ऐसा बात नहीं है, आपका बैटरी भी जाता है उसमें। तो देखिए इसको सेविंग करने के लिए आप सेटिंग पे जाकर बैटरी सेटिंग पे जाना होता है और वहाँ पे आपको जो ऑप्टिमाइज वाला जो सेटिंग दिखाई थी, जैसे यहाँ पे सेटिंग पे जाके डिवाइस केयर पे जैसे मैंने यहाँ लिखा है बैटरी, और इस पर टैप के यहाँ बैटरी जो लिखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मैक्सिमम पावर मोड पे ओके कर देंगे। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, आपका चार्जर आपके पास नहीं है, मतलब बहुत सारे अलग अलग बात है, तो आप इस सबको यूज कर सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बता दें कि आप जो डिस्प्ले देख रहे हैं यहाँ पे अलग वॉलपेपर है, यहाँ पे आप ब्लैक वॉलपेपर यूज़ कीजिएगा। ब्लैक आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, ब्लैक वॉलपेपर यहाँ सर्च कीजिएगा और उसको आप यहाँ से जैसे ब्लैक वॉलपेपर लिख देंगे, ब्लैक वॉलपेपर लिख देंगे तो आपका ब्लैक वॉलपेपर बहुत सारा आ जाता है। तो डाटा रखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, उसको स्क्रीन शॉट लेके भी रख सकते हैं, अगर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो स्क्रीन शॉट से भी आप काम होगा उसमें, ये जरूरी नहीं है पूरा स्क्रीन ब्लैक आएगा। तो उसमें क्या कि आपको अलग अलग कलर जो जितना जलता है उसमें ज़्यादा अलग अलग कोडिंग मतलब हर एक चीज़ अलग अलग इसमें होता है, ठीक है ना। ब्लैक वॉलपेपर रखेंगे तो आपका बैटरी बचत होता है। उसके बाद ऐप भी है इसमें,
ऐसा बात नहीं है कि आपका बैटरी ऐसे ही सेव कर सकते हैं, ऐप के जरिए भी आप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ लिख देंगे पावर सेविंग मोड, पावर सेविंग मोड, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, देखिए आपको बताते हैं। पावर सेविंग लिख दिए, पावर सेवर लिख दिए, तो मैं एक छोटा सा फाइल यहाँ पे इंस्टॉल किया हूँ। इनमें से कोई भी ऐप आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मर्जी से, जिसका रेटिंग अच्छा है उसे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह काम करेगा। देखिए अभी यहाँ पे लाइट देखिए कितना है, वो दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए लाइट हम फुल कर दिए, आप देखिए कैसे काम करेगा ये। देखिए यहाँ पे हो गया, इसे ऑप्टिमाइज क्लिक करते हैं, देखिए अब कैसे काम करेगा। अभी देखिए यहाँ पे लाइट देखिए, इसको दिखाते हैं, देखिए कम हो गया ना। तो यही काम करता है, कोडिंग के जरिए वो काम करता है हर एक ऐप। इस तरह आपको लाइट कम करना है और अपना काम निकाल लेना है, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।